Subscribe to Shimaru and click the bell icon to never miss an update. Om Padmavati Padmanetre Padmasane Lakshmidayani Vanchapurni Riddhi Siddhi Jayam 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 Kuru Kuru Swaha. साथियों, हर साल की तरह आज हम फिर यहां इकट्ठे हुए हैं। यह हमारे लिए गौरव की बात है। यह हमारी ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड में काफी नाम पैदा कर रही है। इस नाम को रोशन रखने के लिए हमारी चीफ गायत्री सन्याल ने इस कैबिनेट में काफी तब्दीलियां की हैं। जो लोग अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा सके उन्हें इस ऑर्गेनाइजेशन के काबिल लोगों के द्वारा रिप्लेस किया गया है। नंबर वन, आने वाले इलेक्शन में दंगा फसाद करवाने की जिम्मेदारी तुम्हें सौंपी जाती है। इस काम में स्टूडेंट्स को भी शामिल कर लिया जाए। अगर नौजवानों की ताकत हमारे साथ है तो हम चाहे जिसे मंत्री बना सकते हैं, चाहे जिसे कुर्सी से उतार सकते हैं। नंबर टू, इस साल गवर्नमेंट की नई पॉलिसी की वजह से हमारे शराब के बिजनेस को काफी धक्का पहुंचा है। इस पॉलिसी का मुकाबला करने के लिए फलों के तमाम बाग खरीद लिए जाएं। न फल होंगे न शराब की कंपनी अपना माल बना सकेंगी। इसी तरह हम इस पे काबू पा सकते हैं। लोगों को मजबूरन हमारी भट्टियों की शराब पीनी पड़ेगी। नंबर थ्री, मार्केट में ज्यादा माल आ जाने की वजह से अफीम, चरस और कोकीन की कीमत घटती जा रही है। इंटरनेशनल मार्केट में काबू पाने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा माल स्टॉक करना पड़ेगा ताकि वक्त आने पर हम उसे मुंह मांगी कीमत पर बेच सकें। इसकी जिम्मेदारी तुम्हें सौंपी जाती है। आज पहली बार हमारे होते हुए ये बड़े बड़े काम दूसरों को दिए जा रहे हैं। आखिर क्यों?
नंबर फोर, शहर के जुए खानों और कैसीनो से हमारी ऑर्गेनाइजेशन को काफी फायदा हुआ है, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा जुए खाने और कैसीनो खोले जाएं, इसकी जिम्मेदारी तुम्हें दी जाती है। मिनिस्ट्री और पुलिस से अपने आदमियों के हिफाजत का जिम्मा मैडम गायत्री सान्याल खुद संभालेंगी। एक्सक्यूज मी, मेरी दरख्वास्त है कि जुए खाने और कैसीनो चलाने का काम हम दोनों को दिया जाए। शट अप, किसे क्या काम लेना है और किसको क्या काम देना है इसका फैसला सिर्फ मैडम करती हैं। आपको विदेश से हथियार लाने का काम सौंपा गया था, बस आप उसे अच्छी तरह से निभाइए। मैं ये काम नहीं करना चाहता, आप मुझे कोई दूसरा काम दे दीजिए, वरना मजबूरन मुझे ये ऑर्गेनाइजेशन छोड़नी पड़ेगी। मुझे ना सुनने की आदत नहीं। और दूसरी बात, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो एक बार आ जाता है वो उसे जिंदा छोड़कर नहीं जाता, समझ गए? यस मैडम। कृष्णा कहाँ है? भाऊ, ये गायत्री सान्याल का आदमी है। अपने एरिया में जासूसी कर रहा था। नाम क्या है तेरा? किशन। किशन, कितने साल से काम कर रहा है उसके साथ? 6 साल से। 6 साल से? 8 साल। और 6 साल से उस हरामी ने तुझे ये नहीं बताया कि माहिम से लेकर कुलाबा तक मेरा एरिया है? मेरा मतलब रमाकांत वागमारे का। और जो दुश्मन मेरे एरिया में आता है ना, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ता, बिल्कुल नहीं छोड़ता। गायत्री, तेरा गधा मेरे इलाके में घास चरने आया था, काट दिया मैंने उसे। वो क्या है, मुझे कुत्ते पालने का शौक नहीं, वरना उसकी बोटी बोटी करके मेरे कुत्तों को खिला देता, इसलिए पूरा के पूरा वापस भेज रहा हूं। हां, तेरा शुभचिंतक रमाकांत वाघमारे। डार्लिंग, सच्ची बहुत मजा आया, कल फिर मिलता हूं।
बाय। बहुत चला लिए विदेशी फटाके, अब इस देसी लोहे की धार तो देख। पद्मावती हॉस्पिटल, डीन गुप्ता बोल रहा हूं। क्या लोगों को दारू पीकर उल्टियां हो रही है, बेहोश भी हो गए हैं, कुछ लोग मर भी गए। यस डॉक्टर। सॉरी सर, किसी के बचने की उम्मीद नहीं है, 100-150 लोग मर चुके हैं, लगता है बहुत ही जहरीली शराब पी है। Oh my God.
बोले बा ना भाई, वो अपनी जहरीली शराब का सब लफड़ा हो गया था ना, 200 आदमी मर गया था, उसके वास्ते बस्ती में कोई सरफिला इंस्पेक्टर आला है उनको गिरफ्तार करने के वास्ते। साले ने नई नई वर्दी पहनी होगी, सिलाई के पैसे मांगने आया होगा। क्या नाम है उस सरफिरे इंस्पेक्टर का? आओ इंस्पेक्टर, सलामी देने आए हो या तलाशी लेने? वैसे इस बंदे को ही मुन्ना भाई कहते हैं, बोलो क्या खिदमत करूं? मैं तुम्हें उन 200 आदमियों के मौत के जुर्म में गिरफ्तार करने आया हूं जो तुम्हारी जहरीली शराब पीकर मरे हैं। दम है? बात में बहुत दम है। वैसे कितना वक्त हो गया ड्यूटी ज्वाइन करके? हाँ क्यों, प्रमोशन दिलाने का इरादा है? प्रमोशन मिल भी जाएगा तो क्या उखाड़ेगा इंस्पेक्टर? सिर्फ सिगरेट पानी का खर्चा निकलेगा, बाकी चिकन और किचन का तो बंदोबस्त हम लोग करेंगे ना। ए बीगा। हाँ भाई। साहब को मुंह दिखाई दे रहे? इतने रुपयों में तो 200 लाशों का कफन भी नहीं आएगा। ए माल डबल कर रहे? इतने तो चिता की लकड़ियों में जल जाएंगे। ये बात है। ए भीखा, साहब को इतना माल दे कि वो 200 मुर्दों का श्राद्ध भी हो जाए और साहब की दिवाली। अब दिवाली तो मैं तब मनाऊंगा जब तू फांसी के फंदे पे झूलेगा। अबे शाने, तू पहली बार मेरे गरीब खाने में आया ना, इसलिए मैं कब से तेरी बकबक सुन रहा हूं। अभी एक बात सुन, सुमड़ी में पतली गली काट, वरना वो 200 मुर्दों के साथ तेरी भी लाश जाएगी उधर। तू मेरा नाम जानता है ना? मुन्ना भाई आउट। Yeah.
गुड मॉर्निंग मैडम। आपने मुझे याद किया? सक्सेना, अगर कोई हमारे आदमी पर हाथ डालने की जरूरत करे तो उसका अंजाम क्या होता है? सिर्फ मौत। तो जाओ और जाकर खत्म कर दो उसे। कौन है वो बेवकूफ जिसने आपके साथ ये बदतमीजी की है? है तुम्हारे एरिया का कोई सरफिरा इंस्पेक्टर प्रताप जिसने मुन्ना को गिरफ्तार कर रखा है। Go shoot him and get Munna released. क्या बात है? हाँ मुश्किल हो सकता है ना? वर्दी पहनकर किसी वर्दी वाले को मारना नामुमकिन है मैडम। ये तुम्हारा फैसला है या मजबूरी? सिर्फ मशवरा। मतलब ये मैडम के जो काम सुई से हो जाए वहां तलवार चलाने की क्या जरूरत है? मुन्ना तो रिहा हो ही जाएगा लेकिन उसके बाद इंस्पेक्टर प्रताप भी खामोश नहीं रहेगा। वो सबूत और गवाहियां इकट्ठा करने के लिए उन 200 आदमियों के पास जरूर जाएगा जो मुन्ना की शराब पीकर अब तक मरे नहीं बल्कि जिंदा हैं। आप सिर्फ पद्मावती हॉस्पिटल के डीन गुप्ता की जबान बंद करवा दीजिए, बाकी मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। ये क्या है? कीमत? कीमत? किस बात की? आपको अपनी रिपोर्ट में सिर्फ इतना लिखना है कि जो 200 आदमी आपके अस्पताल में मरे वो जहरीली शराब की वजह से नहीं बल्कि फूड पॉइजनिंग की वजह से मरे हैं। मैडम मैं एक डॉक्टर हूं, कसाई नहीं कि गोश्त और खाल बेचकर मैं पैसा कमाऊं। 2 लाख। मैडम मैंने अपने हाथों से तुम्हारे जहरीली शराब पीकर मरे हुए लोगों पर कफन डाले हैं, उनकी लाशों से लिपट कर रोने वाले उनके बच्चे और दीवारों पर सर पटक कर रोने वाले उनकी विधवाएं देखिए मैंने। ऑलराइट, 3 लाख। मैडम आप कीमत लगाते लगाते थक जाएंगे लेकिन ये डॉक्टर अपने ईमान का सौदा कभी नहीं करेगा। नो प्रॉब्लम। जिस शमशान में 200 लाशें जली हैं वहां एक चिता और सही। जान की धमकी दे रही है आप? एक डॉक्टर का काम है मौत से लड़ना, डरना नहीं। आई अप्रिशिएट योर सेंटिमेंट्स डॉक्टर, स्प्लेंडेड। एक डॉक्टर का काम है मौत से लड़ना, डरना नहीं। I like it. पर मेरी एक कमजोरी है, मुझे ना सुनने की आदत नहीं। प्रताप, मुन्ना को उसका वकील जमानत पर छुड़ाकर ले गया है और उसका दावा है कि मुन्ना का जहरीली शराब के हादसे से कोई ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक है सर, और मैं ये सच्चाई आपको साबित करके दिखाऊंगा। इंस्पेक्टर, मैंने सच्चाई को तजुर्बे की कसौटी पर परख कर ही अपनी रिपोर्ट दी है। मरने वाले जहरीली शराब से नहीं फूड पॉइजन से मरे हैं। सच्चाई को तजुर्बे के कसौटी पर परख कर नहीं बल्कि अपने ईमान को रिश्वत के तराजू पर तोल के तुमने वो रिपोर्ट बनाई है। 200 लाशों का सौदा किया है तुमने, 200 लाशों का। बट लिसन डॉक्टर, वो लाशें तो जलकर राख हो चुकी हैं। मैं उस राख से वो बारूद बनाऊंगा जो कि मुन्ना भाई जैसे मुजरिमों का नामो निशान मिटा देगा। बेटे, काश तुम्हें मेरी मजबूरी मालूम होती। नहीं इंस्पेक्टर साहब नहीं, मुन्ना के खिलाफ गवाही देकर हमें मौत को अपना घर नहीं दिखाना। तुम किस किस की चौखट पे पहरा दोगे? वो मौत बन के आएगा और लाशें बिछा कर चला जाएगा। अभी तो हमारे घरों में शोक के दिए जल रहे हैं, कानून की दलाली करके हमें अपने घर नहीं जलवाने। वापस दिवालोवा, कानून की मदद करने को आप कानून की दलाली कहते हैं? यही सुनने आते हैं हम पुलिस वाले तुम्हारे गली और चौखट तक? यही वर्दी मिलती है तुम्हें अपने कायरता का गंध थूकने के लिए?
वो जो मुन्ना की जहरीली शराब पीकर मरे हैं, उनमें से कोई भी मेरा रिश्तेदार नहीं था। तुम में से किसी का भाई था, किसी का बेटा था, किसी का पति था। मम्मी, आपने इंस्पेक्टर अंकल को क्यों नहीं कहा पापा किसकी शराब से मरे हैं? तू अकेला ही तो अफसर है सारे शहर में जो जुर्म का नामो निशान मिटा सकता है। इंसाफ की देवी का आशीर्वाद सिर्फ तेरे ही तो कंधों पर है। ओफो माँ, मेरे कंधों पर इंसाफ की देवी का ना सही, लेकिन इस माँ का आशीर्वाद जरूर है जिसकी शिक्षा और आदर्श इस वर्दी पर तारे बनकर चमक रहे हैं। अगर मेरा फर्ज तेरी ममता को ठेस पहुंचा रहा है तो बोल माँ, उतार दूं इस वर्दी को। बस तेरी इसी बात से मुझे डर लगा रहता है, तेरी जिद से, जुनून से। रोज सुबह जब तू घर से निकलता है तो इसी बात पर दिल धड़कता रहता है मेरा कि शाम को तू घर लौटेगा या नहीं। एक पुलिस अफसर की माँ होकर डरती है? पुलिस अफसर तो तू है, मैं सिर्फ एक मां हूं। इंस्पेक्टर साहब, आप? जी हां, मैं मुन्ना के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपसे एक विनती है। इस मासूम के सर पर से बाप का साया तो पहले ही उठ चुका है। कल को अगर मुझे कुछ हो गया तो आप वादा कीजिए कि इसकी जिम्मेदारी आप संभालेंगे। अरे बहन, ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। बोल, मेरे खिलाफ गवाही देगी? कुत्ते, तेरी वजह से 200 आदमी मर गए, तेरी वजह से मेरा पति मर गया। हरामजादे, मैं गवाही दूंगी। आगे बताना, लोगो की आगे बताना। मुन्ना भाई के खिलाफ गवाही देंगे यार। छोड़ दो। छोड़ दो? हाँ, अरे चल। क्या हुआ बंटी? Oh!
मम्मी उठो ना, मम्मी मम्मी उठो ना, मम्मी देखो इंस्पेक्टर अंकल आए, मम्मी उठो ना, उठो ना, इंस्पेक्टर अंकल आए, देखो ना मम्मी, मम्मी भैया भैया मेरा मेरा मेरे बंटी मम्मी पहनने का यह मतलब तो नहीं कि तुम अपनी पोजीशन और पावर का नाजायज इस्तेमाल करो। जब तुम मुन्ना के खिलाफ कोई गवाही या सबूत नहीं ला सके, जब तुम यह साबित नहीं कर सके कि जहरीली शराब वाले केस में मुन्ना का हाथ है, जब तुम उस मासूम लड़की के कातिलों का पता नहीं चला सके, तो इन सब बातों पर पर्दा डालने के लिए तुमने बड़ी बेरहमी और चालाकी से मुन्ना को मौत के घाट उतार दिया। अब मैं तुम्हारे खिलाफ बहुत ही सख्त एक्शन लूंगा। जरूर लीजिए सर, मगर एक्शन तो तब लिया जाता है जब किसी बात का सबूत हो। पिछली बार मुझे कोई सबूत नहीं मिला और इस बार आपको कोई सबूत नहीं मिलेगा। हिसाब बराबर। जय हिंद। गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग। बैठिए। क्या हुआ उस इंस्पेक्टर का? सॉरी मैडम, मैंने कोशिश तो बहुत की है लेकिन अब तक प्रताप का कुछ कर नहीं पाया। सॉरी मैडम, मैंने कोशिश तो बहुत की लेकिन कुछ कर नहीं पाए। सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने कोशिश तो बहुत की लेकिन कुछ कर नहीं पाया। मैं कमिश्नर आया। आपने बहुत कोशिश की लेकिन आप कुछ नहीं। सक्सेना, तुमने एक दिन कहा था कि जो काम सुई से हो जाए वहां तलवार चलाने की जरूरत नहीं, तलवार चलाने की जरूरत नहीं, लेकिन आज तलवार चलाने का वक्त आ गया है। इंस्पेक्टर, मत हवल दा। मैं ही हूँ इंस्पेक्टर। कहिए, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? बाहर आग लगी है और आप सो रहे हैं। आग मेरे पीछे? आग लगी है। रॉन्ग नंबर। क्या सगलाम, इन्हें फायर ब्रिगेड का नंबर दो। शट अप, मैं उस आग की नहीं जुर्म की आग की बात कर रही हूँ। दिन दहाड़े चोरी डकैती लूट मार मची है और कानून मुंह पे टोपी रखकर सो रहा है। कानून अपनी टोपी कहीं भी रखे, आपसे मतलब? तमीज से बात करो। आप तमीज से बात कीजिए,
क्या आप जानती हैं आप इंस्पेक्टर प्रताप से बात कर रही हैं? इंस्पेक्टर प्रताप? आप प्रताप हैं? तो वो? I'm sorry. मेरा नाम मोना है. मुझे कंप्लेंट लिखवानी है. कंप्लेंट? हाँ. ओ, जरूर आपको देखकर किसी ने सीटी मारी होगी. नहीं. आंख मारी होगी? नहीं नहीं. छेड़ा होगा? नहीं इंस्पेक्टर, मेरे घर में चोरी हुई है. चोरी? क्या? हाँ, चोरी हुआ आपका? मेरा कंगन. कंगन? जी हाँ, सोने का कंगन था जिसमें असली हीरे जड़े थे. मेरी माँ की इकलौती निशानी थी वो. उन्होंने मेरी शादी के लिए रखे थे. अगर वो कंगन नहीं मिला तो मेरी शादी कैसे होगी? अरे रे रे, इसमें रोने की क्या बात है? आपकी शादी होगी और जरूर होगी. लेकिन कैसे? मेरा कंगन तो चोरी. हम ढूंढ निकालेंगे. आखिर सरकार हमें तनख्वाह किस बात की देती है? सच? आप कितने अच्छे हैं. ओह थैंक यू. लेकिन एक प्रॉब्लम है. क्या? मैं आपका कंगन पहचानूंगा कैसे? ओह हाँ, ये लीजिए, वो कंगन भी ऐसा ही है. और ये मेरा विजिटिंग कार्ड. अब काम हो गया. समझो आपका कंगन मिल गया. मेरा कंगन क्या सचमुच मिल जाएगा? मिल जाएगा. थैंक यू सो मच. ओके, मैं चलती हूँ. बाय बाय बाय. मेरा प्यार है चूड़ी जैसा, हैं हैं हैं, इसका और न छोर. यहाँ नहीं वहाँ नहीं हुजूर, हुजूर. मेरा ख्याल है आप शादी की तैयारी शुरू कर ही दीजिए. लड़की तो आपने देखी ली है और उसका कार्ड भी तो है आपकी जेब में. हूबहू नकली कंगन मैं ला दूंगा. और जब तक लड़की को खबर होगी कि ये नकली है तब तक तो आप बाप बन ही चुके हो. मैं कहां कुछ कह रहा हूं, मैं तो शादी की बात कर रहा हूं. अरे आप इस हालत में क्या हुआ? अजी दरवाजे पर ही खैरियत पूछती रहेंगी या अंदर आने के लिए भी कुछ कहेंगी. ओह आई एम सॉरी. आइए 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 बैठिए. अरे रे, लेकिन ये सब हुआ कैसे? अजी कुछ मत पूछिए. वो तो भगवान का शुक्र है कि मैं जिंदा हूँ, वरना मुझे मारने में आपने कोई कसर नहीं छोड़ी थी. ये आप क्या कह रहे हैं? अजी सच कह रहा हूँ. आपके जाने के बाद हमने शहर के सारे चोर उचक्कों की लिस्ट मंगवाई और एक एक की हिस्ट्री ज्योग्राफी चेक की और सबको लॉकअप में ठूस कर जूतों और लातों से, मुक्कों और बातों से टॉर्चर की, ऐसी बारिश की, ऐसी बारिश की सारी गुंडागिरी पसीने में बह गई. और आखिर गुंडे ने कबूल कर ही लिया. क्या? ये क्या आपका कंगन उसने चुराया था? देखिए यही है ना वो कंगन. ओह, लगता है आपने मेरी कंप्लेंट बहुत सीरियसली ली है. कितनी तकलीफ उठानी पड़ी आपको इस कंगन के लिए. अजी कैसे नहीं उठाता, आखिर डिपार्टमेंट की इज्जत का सवाल था. आप खुश तो हैं अपना कंगन वापस पाकर? लेकिन ये खुशी तो मुझे बहुत पहले मिल चुकी है. क्या मतलब? मतलब ये इंस्पेक्टर साहब कि आज सुबह जब मैं अपने कबर्ड की सफाई कर रही थी तब मुझे वो कंगन अपने कपड़ों में मिला. ये देखिए. कंगना पहना दे सजन, कंगना पहना दे सजन, तेरे नाम का वरना मेरा ये जोबन किस काम का. हाँ यही सपना था हुजूर, ओ यही सपना था हुजूर इस गुलाम का. मैं तो कब से हूँ दीवाना तेरे नाम का. कंगना पहना देना. ¶¶
सपना था हुजूर इस गुलाम का, मैं तो कब से हूँ दीवाना तेरे नाम का। झटका है दिल तेरी उंगली के छल्ले में, अटका है दिल तो छल्ला मंगवा दे सजन, हाँ छल्ला मंगवा दे सजन तेरे नाम का, वरना मेरा ये जोगन किस काम का। हाँ यही सपना था हुजूर इस गुलाम का, मैं तो कब से हूँ दीवाना तेरे नाम का। मुझे महका गया गोरी गजरा तेरा, गजरा दिलवा दे सजन, रे गजरा दिलवा दे सजन तेरे नाम का, वरना मेरा ये जोगन किस काम का। यही सपना था हुजूर इस गुलाम का, मैं तो कब से हूँ दीवाना तेरे नाम का। लगता है गाड़ी गर्म हो गई है। हाँ ऐसे कुछ लगता है, एक मिनट मैं देखता हूँ। प्लीज ओ नो, पानी खत्म हो गया। ओ मैं लेके आता हूँ प्लीज। हाँ कानून अंधा होता है ये तो सुना था, लेकिन कानून के रखवाले भी अंधे होते हैं ये आज पता चला। वरना वो इंस्पेक्टर तुम्हारी झूठी मोहब्बत की जाल में फंसकर अपनी जान ना दे देता। ये तुम्हारे काम की कीमत नहीं है, बल्कि हमारी तरफ से एक मामूली तोहफा है। माफ कीजिए गायत्री देवी, मैं ये रुपए नहीं ले सकती। लेकिन क्यों? इसलिए
कि इन रुपयों से मैं जिंदगी की वो खुशियां नहीं खरीद सकती जो इंस्पेक्टर की वजह से बर्बाद हो गई हैं। इंस्पेक्टर प्रताप की मौत ही मेरी जिंदगी का मकसद था और मुझे उस तक पहुंचने में आपने मेरी मदद की है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कौन हो तुम? पता किसके इशारे पर तूने मुझसे मोहब्बत का नाटक रचाया था? कौन है वो लोग जिनकी तू कठपुतली है? कितनी कीमत वसूल की थी तूने एक पुलिस ऑफिसर को ठिकाने लगाने की? बोल वरना मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये धमकियां उन कायरों को देना इंस्पेक्टर जो मौत से ज्यादा पुलिस से डरते हैं। तू मुझे क्या मारेगा? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। I'll kill you. I'll kill you. बोल क्या बिगाड़ा था मैंने तेरा? क्यों मारना चाहती हो मुझे तुम? तुम मेरे भाई मुन्ना के कातिल हो, तुम खूनी हो। अच्छा, तो तुम उस मुजरिम की बहन हो? खबरदार, जो मेरे भाई को मुजरिम कहा तो वो एक शरीफ और नेक इंसान था। नहीं, वो एक शरीफ और नेक इंसान नहीं था। मजबूर और मासूम लड़कियों से धंधा करवाता था वो, कर दर जुए के अड्डे चलाता था। ऐसी कोई गली, ऐसी कोई बस्ती नहीं जहाँ पर उसके शराब के अड्डे ना हो। ये सब झूठ है, इल्जाम है। यही सच है। क्या सबूत है तुम्हारे पास? सबूत? सबूत चाहिए? चलो मेरे साथ। देखो, ये वो बस्ती है जिसके हर आंगन में बदनसीबी की छाया पड़ चुकी है। ये मौत का सन्नाटा, ये भूख, ये आंसू, ये सब तुम्हारे भाई की देन है। सब तुम्हारे भाई की देन है। मेरा पति आ गया, वो देखो, मेरा पति मर गया। वो देखो आ गया, मर गया, मर गया। उसकी जहरीली शराब पीकर 200 आदमी मर गए, कितनी औरतें विधवा हो गईं, किसी का भाई मर गया, किसी का बेटा मर गया, कितने बच्चे यतीम हो गए। सारी बस्ती का सर्वनाश किया तेरे भाई ने। तेरे भाई मुन्ना की वजह से सारी बस्ती उजड़ गई है। हाँ, सिर्फ तेरे भाई मुन्ना की वजह से। मुन्ना, मैं तुम्हें एक पुलिस ऑफिसर पर कातिलाना हमला करने के जुर्म में गिरफ्तार करने आया हूं। लेकिन इंस्पेक्टर मेरा, तुम्हें जो कुछ भी कहना है अदालत में कहना। और अदालत ये जानना चाहती है कि इसका जुर्म क्या है। बहुत संगीन जुर्म किया है इसने, तेरे बेटे का दिल चुराया है। फिर तो इसे शादी के बंधन में जकड़ कर उम्र कैद की सजा देनी चाहिए। बोलो बेटी, तुम्हें ममता की अदालत का यह फैसला मंजूर है? तेरा तू है मेरी जानम, दुनिया से अब डरना क्या। मैं हूँ तेरा तू है मेरी जानम, दुनिया से अब डरना क्या। इतने हसी मौसम में, इतने हसी मौसम में प्यार ना करने तो करना क्या। मैं हूँ तेरी तू है मेरा जानम, दुनिया से अब डरना क्या। मैं हूँ तेरी तू है मेरा जाना, दुनिया से अब डरना क्या। इतने हसी मौसम में, इतने हसी मौसम में प्यार न करे तो करना क्या। मैं हूँ तेरा तू है मेरी जानम, दुनिया से अब डरना क्या। मैं हूँ तेरी तू है मेरा जाना,
बाहों में मैं ले लूं तेरी महकी जुल्फ से खेलूं मेरी जानम दुनिया से अब डरना क्या तुमने इसी छत के नीचे एक दिन खड़े होकर कहा था कि इंस्पेक्टर प्रताप की मौत तुम्हारी जिंदगी का मकसद है और आज उसी इंस्पेक्टर के साथ तुम मोहब्बत के गीत गा रही हो रोमांस कर रही हो। अरे तुम ये भी भूल गई कि वो हमारा दुश्मन है तुम्हारा दुश्मन है तुम्हारे भाई का कातिल है वो। मेरे भाई का कातिल वो नहीं तुम हो गायत्री देवी तुम। ना तुम उससे शराब का धंधा करवाती ना उसकी शराब में जहर होता और ना ही वो प्रताप की गोली से मारा जाता। अरे तुम्हारा भाई तो उसी दिन मर जाता जब वो बेकारी और भूख से तंग आकर खुदकुशी करने जा रहा था। मैंने उसे गरीबी के दलदल से निकालकर एक शानदार जिंदगी दी थी लेकिन मौत ऐसी जिस पर आंसू बहाते हुए उसकी बहन को भी शर्म आ जाए। गायत्री देवी आपने पाप की दौलत से दीवारें तो बहुत ऊंची बना ली लेकिन ये दीवारें इतनी मजबूत नहीं कि कानून का हाथ उसे तोड़कर आपकी गर्दन तक ना पहुंच सके। एक दिन आपका भी वही अंजाम होगा जो मेरे भाई का हुआ है। अच्छा गायत्री देवी की मौत। अरे गायत्री देवी इस देश का कानून है मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता कुछ नहीं। अरब उसकी चिता के लिए आंसुओं का इंतजाम कर ले क्योंकि कल सुबह का सूरज नहीं देख पाएगा तेरा वो इंस्पेक्टर।
बाद जो आगे कदम बढ़ाया तो इस लड़की का गला काट के रख दूंगा। चल गाड़ी चला, चल। कहाँ जाओगे? वर्ली। वो जगह खतरे से खाली नहीं, पुलिस का सख्त पैरा है। चक्राल, मैं तुम्हारी दोस्त हूं इसीलिए कह रही हूं, मेरे साथ चलो। ओ, क्या बात है, बहुत खुश दिखाई दे रही हो। ये खुशी उस कारनामे की है जो तुम आज तक नहीं कर पाए। मतलब? रमाकांत, इस शहर पर राज करने का सपना तुम पिछले 20 साल से देख रहे हो, लेकिन कामयाब नहीं हो सके, क्योंकि गायत्री के होते हुए तुम्हारी पोजीशन वैसी ही है जैसे शेरनी के सामने गीदड़ की होती है। अरे तू धतूरे का बीज खाकर आई है या खसखस का फूल जो ऐसी उल्टी सीधी बातें कर रही है? नाराज क्यों होते हो डार्लिंग? तुम्हारे रास्ते की दीवार हटाने के लिए मैं बारूद का ढेर अपने साथ लेके आई हूँ। और अब आप इसे इंस्पेक्टर प्रताप के पास ले जाइए, वो इससे गायत्री के खिलाफ हर बयान उगलवा लेगा और फिर गायत्री को मौत के परवान से कोई नहीं बचा सकता। और सर, आपको इस शहर के बेताज बादशाह बनने से कोई नहीं रोक सकता। गायत्री का आदमी है तू? रमाकांत नाम है मेरा, रमाकांत वाघमारे। आदमी बहुत खराब हूं लेकिन पुलिस का दोस्त हूं, इसलिए इस आदमी को तेरे पास लाया। ये वो हरामी है जिसे गायत्री ने तुझे खलास करने के लिए भेजा था। हेलो। नमस्ते गायत्री देवी जी। हेलो हेलो। भौंकने की जरूरत नहीं, कुत्तों की आवाज मैं अच्छी तरह पहचानती हूँ। कुत्ता? ये कुत्ते की नहीं, मौत की आवाज है गायत्री देवी। मेरे लिए गालियां तलाश करने से अच्छा है कि आपने लिए भागने का रास्ता तलाश कर। हाँ, क्योंकि इस वक्त तेरा खास आदमी जगराल, हाँ जगराल जगराल, पुलिस की इंक्वायरी रूम में है। जगराल? हाँ वही वही जिसे तूने इंस्पेक्टर प्रताप को खत्म करने के लिए भेजा था। इससे पहले कि वो तेरे खिलाफ बयान दे, जाकर छुड़ा ले उसे, वरना तुझे फांसी के फंदे से कोई नहीं छुड़ा पाएगा। जगराल मर जाएगा लेकिन गायत्री देवी के खिलाफ बयान कभी नहीं देगा। नहीं बताएगा? नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा, मैं तेरे फ्री में आएंगे, नहीं बताऊंगा, बताएगा, बिल्कुल नहीं बताएगा, बता माल कहाँ छुपाया, बता, नहीं बताएगा तू? नहीं बताऊंगा, नहीं बताएगा तू? नहीं बताऊंगा, नहीं बताएगा, छू, ले जाओ इसे। पता तो किसका आदमी है? नहीं बताऊंगा। पता तो किसका आदमी है? पता? इंस्पेक्टर प्रभाकर, क्या हुआ सर?
ड्रामा तो हमने बहुत अच्छा किया था, मगर साले ने जबान नहीं खोली। हाय डार्लिंग। अरे चला डार्लिंग कहती है, तेरा आइडिया बिल्कुल फ्लॉप निकला। क्या फायदा हुआ जगराल को पुलिस के हवाले करके? ना उसने गायत्री के खिलाफ मुंह खोला और ना गायत्री गिरफ्तार हुई। अच्छा होता साले को काट के गायत्री के सामने फेंक देता तो कम से कम दिल को तो तसल्ली मिलती। जगराल, मैडम मैं पुलिस की मार खाकर टूट चुका हूं, अब मुझे यहां से निकाल लीजिए मैडम, मुझे और बर्दाश्त नहीं होता, किसी भी तरह निकाल लीजिए, मुझे यहां से निकाल लीजिए। जगराल, जगराल, ये सब, ये सब कैसे हुआ जगराल? हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो, हाँ बोलो जगराल। गायत्री देवी। अवनर स्टेटमेंट क्लिप पेपर लाओ। यस सर। अरे बाप रे डार्लिंग, तुम तो पसीना पसीना हो गए। अरे छोटी डार्लिंग, ये बारूद की नली जब खोपड़ी में चिपक जाती है ना तो बड़ों बड़ों की पतलून गीली हो जाती है, मेरा तो सिर्फ थोबड़ा गीला हो गया। लेकिन डार्लिंग, हाँ? ये गायत्री का मुखौटा पहनकर कहाँ गई थी? पुलिस की आंखों में धूल झोंकने। सर इसमें जगराल का रिटन स्टेटमेंट है जो उसने मरने से पहले दिया था। गायत्री सान्याल के कहने पर ही उसने मुझे मारने की कोशिश की और पकड़े जाने पर गायत्री सान्याल ने उसे मौत के घाट उतार दिया। और जगराल के इसी बयान के बुनियाद पर मैं गायत्री सान्याल को गिरफ्तार करने जा रहा हूं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। हेलो। हाँ गायत्री, जगराल का क्या हुआ? उसे अब तक छोड़ा क्यों नहीं? मैडम जगराल तो मर चुका है और मरने से पहले उसने इंस्पेक्टर प्रताप को यह बयान दिया है कि आप ही उसकी कातिल हैं। क्या क्या बकवास कर रहे हो? वो आपको गिरफ्तार करने आपके बंगले आ रहा है। गायत्री सान्याल, गायत्री, आज तुझे कानून की गिरफ्त से कोई नहीं बचा सकता। पाप और गुनाहों की ये दीवारें अब तुझे ज्यादा देर तक नहीं छुपा सकेंगी। अपने आप को कानून के हवाले कर दे, वरना ऐसा ना हो कि जिसके हाथों में मैं हथकड़ियां पहनाने आया हूं उसी के लाश पर कफन डालकर ले जाना पड़े। तेरी मौत तेरे पीछे खड़ी इंस्पेक्टर,
सॉरी, ड्यूटी पर था इसलिए प्रेजेंट न ला सका। पर इतनी देर कर दी, रोते रोते सो गया बेचारा। ओके ओके, बेटे का जन्मदिन मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो। थैंक यू। जी, मेरा नाम श्रीदेवी है। जी मैं ही वो लड़की हूँ जो हवलदार देवानंद से शादी करना चाहती है। मैं उसके चाल चलन और इनकम के बारे में पूछने आई हूँ। चाल चलन का तो बहुत अच्छा है वो, मैं गारंटी लेता हूँ। और शरीफ भी है और अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से निभाता है। ईमानदारी से? क्यों? नहीं, मेरा मतलब है कि पुलिस स्टेशन और ईमानदारी, आप मजाक कर रहे हैं ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, अच्छा जी वो रहता कहाँ है? यही पुलिस कॉलोनी में। अब वो कमाता है कितना है कि अपना घर ले सके। क्यों, टेबल के नीचे की कमाई नहीं है क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। रिश्वत को तो हराम समझता है वो। हराम समझता है? तो फिर मेरी जिंदगी हराम हो जाएगी इंस्पेक्टर साहब। क्यों? क्यों? क्योंकि वो रिश्वत नहीं लेता। अगर वो रिश्वत नहीं लेगा तो मुझे खिलाएगा क्या? उसकी पगार से तो सिर्फ मेरा मेकअप का खर्च पूरा होगा, बाकी खर्चा कौन करेगा? पड़ोसी? नहीं बने, मैं ऐसे भुक्कड़ से शादी नहीं कर सकती। मैं तो चली। अरे मेरा दिल तोड़ के मत जाओ। क्या हो? मेरी श्रीदेवी, मेरी माधुरी दीक्षित, मेरी मंदाकिनी, मेरी मधुबाला, मेरी बड़ी माँ। अंकल कब आएंगे? बस आते ही होंगे। पंटी। अंकल ये सब किसके लिए? बर्थडे बॉय के लिए, हैप्पी बर्थडे। अंकल मेरे लिए क्या क्या लाए हो? बताऊं? बताओ। बताऊं? बताओ। एक में तो है चॉकलेट्स, एक में है हीमैन की गन, एक में है ट्रेन और एक में है जीन्स और जैकेट। और क्या चाहिए बोल? बताऊं? बता दे। बताऊं? बता दे। ओए चले हो कहाँ, पास तो आओ ऐ जाने जा। आग लगा के चले हो कहाँ, पास तो आओ ऐ जाने जा। कहने को मौसम बर्फीला है, कहने को मौसम बर्फीला है, सांसों से देखो निकले धुआं। सूरज ढलने लगा, टिमटिमा रही है बस्तियां। शाम का सूरज ढलने लगा, टिमटिमा रही है बस्तियां। आ जा गए मैं रह गई, आ जा गए मैं रह गई, हर दम पड़ेगा रुकना यहाँ। चले हो कहाँ, पास तो आओ ऐ जाने जा। शाम का सूरज ढलने लगा, टिमटिमा रही है बस्तियां।
तुमको यार है, रोका पहली बार है, इस तरह न तरसाओ, पहला पहला प्यार है। देखो तुमको यार है, रोका पहली बार है, इस तरह न तरसाओ, पहला पहला प्यार है। चले हो कहाँ, पास तो आओ ऐ जाने जा। शाम का सूरज ढलने लगा, टिमटिमा रही है बस्तियाँ। गायत्री,
पहचाना मुझे, कैसे भूल सकती उस चेहरे को। अपनी जिंदगी डाल आई थी तुम्हारे दामन में और उस जिंदगी की हिफाजत की है मैंने। अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है, तुम्हारे शब्दों की सच्चाई अपनी आंखों से देख चुकी हूं, मिल चुकी हूं अपने बेटे से। शायद मैं उसे वो शिक्षा नहीं दे पाती जो तुमने उसे दी है, लेकिन मैं अपने आप को गुनहगार महसूस कर रही हूं। तुम्हें इन सलाखों के पीछे पहुंचाने की जिम्मेदार मैं हूं। काश मैंने तुम्हारे बेटे को इंस्पेक्टर न बनाया होता। नहीं बहन नहीं, जज का पोता है वो, कानून के रास्ते पर तो उसे चलना ही था। तो फिर तुमने ये रास्ता क्यों अपनाया जिसने तुम्हें सलाखों के पीछे खड़ा कर दिया? इस कहानी के पन्ने ना ही पलटो तो अच्छा है, वरना अतीत का सैलाब वो खुशियां बहा कर ले जाएगा जो इस मां को अपने बेटे से मिलकर हुई है। मैं बहुत खुश हूं, बहुत खुश। एक मां तो बेटे से मिल चुकी है, लेकिन एक बेटे को उसकी मां से मिलाना बाकी है। नहीं बहन नहीं, ऐसे गलती मत करना, वरना मेरे गुनाह उसकी मट्टी को दाग दाग कर देंगे। उसका गर्व, उसका सम्मान, सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। इन फासलों को कम करने की कोशिश मत करना। मेरे लिए सिर्फ यही तसल्ली काफी है कि मेरे गुनाहों का फैसला मेरे बेटे के हाथों होगा। ये इंसाफ नहीं, अनर्थ होगा गायत्री, अनर्थ होगा। मैं एक मां को उसके बेटे के हाथों फांसी नहीं लगवा सकती। ये पाप मैं नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगी। तुम्हें कसम है उस ममता की जिसके आंचल तले 20 साल से मेरा बेटा पल रहा है। सच्चाई को उसके माथे का कलंक ना बनाओ। मैं मुस्कुराते हुए फांसी तो चढ़ सकती हूं, लेकिन उसके माथे पर शर्मिंदगी का पसीना नहीं देख सकती, नहीं देख सकती। जब जब वो तुम्हें मां कहकर पुकारेगा, मैं समझूंगी कि वो मुझे आवाज दे रहा है। और मुझे यकीन है कि तुम मुझसे ये खुशी नहीं छीनोगी। मुझसे वादा करो कि तुम उसे ये सच्चाई कभी नहीं बताओगी। वादा करो। नमस्ते जी। ओ, शेरनी की आंखों में आंसू। लेकिन आंसू बहाने से कहानी थोड़ी ही मिट जाएगी। वैसे तो मैं उस इंस्पेक्टर को मिलने आया था जिसने गायत्री सन्याल को गिरफ्तार किया है, लेकिन यहां आने के बाद अभी अभी सुनाई दिया कि एक बेटे ने अपनी मां को गिरफ्तार किया है। लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है, मेरा तो काम वैसे ही हो चुका है। तुम्हें इन सलाखों के पीछे मैंने ही पहुंचाया है। मुन्ना के शराब में जहर मैंने ही मिलवाया था ताकि कानून उसके कंधों पर खड़ा होकर तेरी गर्दन तक पहुंच सके। हरामजादे, तो ये सब साजिश तेरी थी। उन बेगुनाहों का कत्ल तूने किया था। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये डायलॉग तू बहुत बार बोल चुकी लेकिन मेरा कुछ भी नहीं उखाड़ सकी। अब तो तू मेरा बाल भी नहीं नोच सकती। बाल बाल सुन, अगर तूने अपने आप को बचाने या छुड़ाने की कोशिश की ना, तो मैं तेरे सुपुत्र को बता दूंगा कि जिस औरत को तूने गिरफ्तार किया है वो और कोई नहीं बल्कि तेरी पूज्य माता जी है। माता जी चुप। और फिर वही होगा जो डायलॉग अभी तूने उस औरत को बोला था ना कि तेरे बेटे की वर्दी तेरे गुनाहों से दागदार हो जाएगी और तेरा वो उसका गर्व गर्व और अभिमान मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए हे घायल शेरनी,
ए शेरनी, इस पिंजरे से बाहर निकलने की कोशिश नहीं करना है? मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। इंस्पेक्टर प्रताप, आपने गायत्री देवी को जगराल के खून के इल्जाम में गिरफ्तार किया है? जी हाँ। ये खून कब हुआ? 21 दिसंबर रात के 2:30 बजे पुलिस लॉकअप में। आप ड्यूटी पर थे? जी हाँ, मैं ड्यूटी पर था, लेकिन उस वक्त यानी कि रात के 2:30 बजे मैं पुलिस स्टेशन में नहीं था। नोट दिस पॉइंट योर ऑनर, रात के 2:30 बजे इंस्पेक्टर प्रताप पुलिस स्टेशन में मौजूद नहीं थे। तो क्या आप बता सकते हैं इंस्पेक्टर प्रताप की उस वक्त आप कहां थे? 21 दिसंबर की रात 2:25 पर पुलिस स्टेशन की कुछ ही दूरी पर एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। हम मौका वारदात पर गए, वहां जाके पता चला कि यह ब्लास्ट पेट्रोल बॉम्ब से किया गया था। पुलिस स्टेशन वापस लौटने में हमें 15 से 20 मिनट लग गए। इसी बीच गायत्री सान्याल जगराल का खून कर भाग चुकी थी। मरते हुए जगराल ने हमें बताया कि यह ब्लास्ट पुलिस का ध्यान पटाने के लिए किया गया था। इसका मतलब यह हुआ कि जगराल की मौत का कोई भी चश्मदीद गवाह नहीं है। जी, और इस कत्ल के मुकदमे का एकमात्र सबूत है जगराल का बयान। जी, क्या वो बयान आप अदालत में पेश कर सकते हैं? गायत्री सान्याल की गिरफ्तारी से पहले वो स्टेटमेंट की फाइल मैंने कमिश्नर साहब के हवाले कर दी थी। योर ऑनर, मैं कमिश्नर साहब को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। कमिश्नर सक्सेना अदालत में हाजिर हो। मैं भगवान को साक्षी मानकर यह सौगंध खाता हूं कि जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। कमिश्नर साहब, इंस्पेक्टर प्रताप के मुताबिक जगराल की स्टेटमेंट फाइल इन्होंने आपके हवाले की थी। मैं आपसे वो फाइल अदालत में पेश करने की गुजारिश करता हूं। योर ऑनर, मैंने अभी अभी गीता पर हाथ रखकर सच कहने की सौगंध खाई है, और सच यह है कि इंस्पेक्टर प्रताप ने मुझे ऐसी कोई फाइल नहीं दी जिसमें जगराल का बयान मौजूद हो। यह झूठ है, मैंने फाइल इन्हीं को दी थी। नॉट एट ऑल योर ऑनर, मुझे अफसोस है कि यह कानून की वर्दी पहनकर भी झूठ बोल रहा है, अदालत को धोखा दे रहा है। सच्चाई यह है कि इन्होंने मुझे कोई फाइल ही नहीं दी। कमिश्नर, तू झूठ बोल रहा है। कमिश्नर, तू झूठ बोल रहा है। कमिश्नर, मैंने फाइल तुझी को दी थी। बता वो फाइल कहाँ है? पेश कर वो फाइल जज के सामने, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं ऊपर तक जाऊंगा कमिश्नर। अरे गायत्री सान्याल का आदमी है ये, गायत्री सान्याल का आदमी है। फाइल दी थी मैंने इस कमिश्नर को। छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। अरे गायत्री सान्याल का पिट्ठू है ये। कमिश्नर, वो फाइल दे दे, दे दे वो फाइल। कमिश्नर, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इस बात का अदालत को कोई सबूत नहीं मिला जिससे यह साबित हो सके कि गायत्री सान्याल ही ने जगराल का खून किया है। इसलिए अदालत गायत्री सान्याल को बाइज्जत बरी करती है। गायत्री कहाँ है? नमस्ते गायत्री देवी। तुमने यहां आने की हिम्मत कैसे की? सांप के बिल में हाथ डालने की हिम्मत वही करता है जिसको उसके कांटे का मंत्र आता है, और वो मंत्र है मेरे पास। ये फाइल है, ये वही फाइल है
जो कोर्ट में दाखिल ना होने की वजह से तू फांसी पर लटकते लटकते बच गई। ये फाइल तुम्हारे पास? हाँ, मेरे पास। जिस तरह कोठे पर बैठी तवायफ को दाम देकर कोई भी खरीद सकता है, उसी तरह तुम्हारे उस बिकाऊ कमिश्नर को मैंने मुंह मांगी रकम देकर ये फाइल खरीद ली। तुमने बहुत बड़ी गलती की है रमाकांत। जो इस फाइल के साथ यहाँ आ गए। गलती नहीं गायत्री देवी, अकलमंदी। अकलमंदी इसलिए तो ये फाइल देने मैं खुद आया हूं। ताकि तुम्हें यकीन हो जाए कि इस फाइल की असली कॉपी मेरे पास है। तो तुम मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हो? नहीं, ब्लैकमेल के लिए तो मेरे पास माँ बेटे वाला इमोशनल लफड़ा ही काफी है। तो फिर तुम क्या चाहते हो? तेरी छाती पर मूंग दलना चाहता हूँ। अपनी औकात में रहकर बात कर रमाकांत। ए चिल्ला मत, नीचे सुर में बात कर, नीचे सुर में। और मैं जो कह रहा हूं उसे सुनती जा। आज से तेरे जितने भी काले धंधे हैं उस पर मेरा राज होगा, यानी नाम तेरा और काम मेरा, यानी कि फोरग्राउंड में तू और बैकग्राउंड में मैं। और मेरे ये सब काले धंधे तेरा बेटा तेरे एक फोन के इशारे पर बड़ी आसानी से करेगा। मेरा बेटा एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर है, वो ये काम हरगिज नहीं करेगा। करेगा, जरूर करेगा। उसका भी तोड़ है मेरे पास। उसके घर में एक छोटा बच्चा है बंटी नाम का, वो उस बंटी से बहुत प्यार करता है और मैंने उस बंटी को उठा लिया है। लेकिन तुम उसे फोन करके बोल दो कि बंटी तुम्हारी गिरफ्त में है, वो जरूर तुम्हारा काम करेगा। कितने का सौदा किया? गद्दारी क्यों की मेरे साथ? मुझे माफ कर दीजिए। हमारे यहां गद्दारों की सजा मौत होती है, सिर्फ मौत। नहीं मैडम, मैं जिंदगी भर आपका वफादार रहूंगा। वाघमारे से आपको वो फाइल भी लाकर दे दूंगा। बस एक बार मुझे माफ कर दीजिए, एक बार। एक शर्त है। क्या? तुम्हें माफी नामा लिखकर देना होगा। मुझे मंजूर है। मूव, मूव। यस मैडम। लिखो, मैं कमिश्नर सक्सेना एक देशद्रोही हूं। मैं कमिश्नर सक्सेना एक देशद्रोही हूं। मैंने अपने फर्ज के साथ गद्दारी की है। मैंने अपने फर्ज के साथ गद्दारी की है। कानून के साथ गद्दारी की है। कानून के साथ गद्दारी की है। मुझे जीने का कोई हक नहीं। मुझे जीने का कोई हक नहीं है। Now sign it. मुझे जीने का कोई हक नहीं है। अरे साहब, क्या हुआ? साहब ये क्या किया आपने? आत्महत्या कर ली? क्यों किया ऐसा?
क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आलिशान महलों में रहने वाली इस गायत्री सान्याल ने मुझे इन बेचैन लहरों और बेजान पत्थरों के बीच क्यों बुलाया है? क्योंकि इस वक्त मेरी जिंदगी इन्हीं दो चीजों में बटी हुई है, जज्बात है जो लहरों की तरह उमड़ना चाहते हैं लेकिन हो इन बेजान पत्थरों की तरह खामोश है। क्या ये मुमकिन नहीं कि तुम कुछ देर के लिए अपने आप को इंस्पेक्टर ना समझो और मैं अपने आप को गायत्री सन्या? बेकार की बातें छोड़ो और ये बताओ मुझे यहाँ किस लिए बुलाया है? ट्रक्स का एक बहुत बड़ा कंसाइनमेंट विरार की खाड़ी पर उतरने वाला है, तुम्हें वो कंसाइनमेंट चेकपोस्ट से क्रॉस करवाकर कोर्ट बंदर पहुंचाना है। तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं ये काम करने के लिए तैयार हो जाऊंगा? एक पुलिस ऑफिसर शायद ये जुर्म करने के लिए तैयार ना हो लेकिन वो इंसान जरूर तैयार होगा जो बंटी को जिंदा देखना चाहता है। अरे यार प्रताप, कहां से आ रहे हो? प्रताप, तुम्हारे लिए फोन आया है। हेलो प्रताप, हमारा ये बैग लेकर बैंड्रा के कैफे सी साइड के पास पहुंचो जल्दी। तुम्हारे कैफे के सामने सफेद जीप के पास एक आदमी काला बैग लेकर खड़ा है, उसे जल्दी से फोन पर बुलाओ। सुनिए भाई साहब, आपका फोन। हेलो, बंटी को मरवाना चाहते हो? पुलिस वालों को क्यों साथ लेकर आए? अब अकेले 10 मिनट में हाजी अली जूस सेंटर पर पहुंचो। क्या हुआ? ऐसा मेरा फोन है। हेलो इंस्पेक्टर प्रताप, शाबाश, अब 5 मिनट के अंदर लिबर्टी फोटो आर्ट पहुंचो, वरना समझे ना। शाबाश, अब 1 मिनट के अंदर पैदल भागते हुए मच्छीमार के पास जंक यार्ड में पहुंचो। हाँ?
शाबाश इंस्पेक्टर प्रताप, अब गायत्री सन्याल बहुत खुश होगी। बैग को सामने फेंक दो, जल्दी बंटी तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन बंटी कहाँ है? वो रहा बंटी। बंटी मेरा एक बात समझ नहीं आई रमाकांत, उस इंस्पेक्टर प्रताप ने तो तुम्हारा काम कर दिया था, फिर तुमने उस बच्चे बंटी को क्यों मरवाया? बताता हूं, इंस्पेक्टर प्रताप के नजर में बंटी को किडनैप किसने किया? गायत्री ने। राइट। इंस्पेक्टर प्रताप को ड्रग का कंसाइनमेंट लाने के लिए किसने मजबूर किया? गायत्री ने। और बंटी को किसने मारा? तुमने। चुप। खैर, 10 साल से मेरे दिल के करीब रहती हो, लेकिन मेरे दिमाग को अभी तक नहीं समझ सकी। अन्नाड़ी के अन्नाड़ी रह गई बिल्कुल साले। हैं? बंटी की हत्या मैंने नहीं, गायत्री ने की है, गायत्री ने, यही समझेगा इंस्पेक्टर प्रताप। इसे कहते हैं मेंढक के हाथों मगरमच्छ का शिकार। अब इंस्पेक्टर प्रताप गायत्री को जिंदा नहीं छोड़ेगा, यानी बेटे के हाथों मां की हत्या। बेटा, खबरदार जो मुझे बेटा कहा, मां, बेटा, रिश्ते, जज्बात, इन सब शब्दों का अर्थ तुम क्या जानो? अरे तुम तो वो औरत हो जिसका साया भी किसी पर पड़ जाए तो उसे मौत के सिवा कुछ भी नसीब नहीं होता। ये खून देख रही हो तुम? ये उसी मासूम बंटी का है जिसने मेरे बाहों में तड़प तड़प के दम तोड़ दिया। पहले बाप, फिर मां, अरे पूरे परिवार का सर्वनाश किया तुमने। और अब तुम्हारी बारी है गायत्री। हाँ? तू जानता है तू किस पर गोली चला रहा है? उस औरत पर मां, जो जहरीली शराब का धंधा करती है, मासूम और गरीब लोगों की जिंदगी से खेलना जिसका पेशा है। उस औरत पर मां, जिसने मुझे मेरे फर्ज से गद्दारी करने पर मजबूर किया, मेरे बंटी की जान ली। उस औरत पर मां, जो औरत जात पर कलंक है। जिस औरत के खून से तू अपने इंतकाम की प्यास बुझाना चाहता है, जिस औरत से तुझे इतनी नफरत है, वह औरत और कोई नहीं। नहीं रीमा, तुम्हें कसम है से कुछ मत बताना। नहीं,
एक कसम की खातिर मैं रिश्तों का खिलवाड़ नहीं होने दूंगी। ये क्या है मां? ये तेरी मां है बेटी। ये सच्चाई किसी डंक की तरह चुभी हुई है। जिस घर में कानून गीता की तरह पढ़ाया जाता था, उस घर की लड़की ने जुर्म का रास्ता क्यों अपनाया? मुझे आज भी वो दिन याद है। प्याला थोड़ी भंग डालो ना, खाली मेरा प्याला थोड़ी भंग डालो ना, खून में जवानी की उमंग डालो ना। होली का दिन है सब माफ है, होली का दिन है सब माफ है, मौका है मिला तो मजा लो ना लो ना, खाली मेरा प्याला थोड़ी भंग डालो ना। आज के दिन शर्म नहीं करना, रानी लोगों से काहे का डरना, ऐसा है तो मुझको अपनी बाहों में उठा के राजा को दिन में बिठा, क्योंकि होली का दिन है सब माफ है, होली का दिन है सब माफ है, मौका है मिला तो बजा लो ना लो ना। खाली मेरा प्याला थोड़ी डालो ना। ऐसी गलती करवाने आता है, कोई खुद आए तो फिर अपना क्या जाता है, क्योंकि होली का दिन है सब माफ है, होली का दिन है सब माफ है, मौका है मिला तो मजा लो ना लो ना। We'll be right back.
है क्या है ये आज देख ले सब दुनिया वाले कल किस किस के मुंह पे जाकर मारेंगे ताले अरे अरे होली का दिन है सब माफ है होली का दिन है सब माफ है मौका है मिला तो मजा लो ना लो ना मौका है मिला तो मजा लो ना लो ना पुलिस की मुखबरी करके हमारा माल पकड़वाता है बंद कर और चुपचाप वहां बैठ हिला पिला के इतना लंबा चौड़ा किया और एक फालतू इंस्पेक्टर से मार खाता है बैठ वहां अच्छी के मैं बात कर लूंगा इंस्पेक्टर साहब राम राम मैं रमाकांत वाघमारे नाम सुना होगा आपने साहब मराठी में शेर को वाघ बोलते हैं और मारे का मतलब तो मालूम ही छोएगा आपको इसलिए बोलने में बड़ा अच्छा लगता है रमाकांत वाघमारे वाघमारे साहब हम रहता तो इस गांव में है लेकिन बंबई में वीटी स्टेशन पर अगर किसी ने अपना नाम लिया ना तो हमारे आदमी को लालबाग में पता चल जाता है कि किसने याद किया आप उनको पीला हाउस फुरास रोड बच्ची की बाड़ी में 800 रंडिया धंधा करती है आप उनका 10-12 छोटा मोटा क्लब है 20-25 दारू की भट्टिया है सबको राजी खुशी रख के बड़े शान से धंधा करता है साहब अपुन बहुत शान से कभी किसी को कोई तकलीफ नहीं लेकिन साला अपना ये भाई है ना साहब बहुत हरामी है बहुत हरामी हर रोज कोई ना कोई लफड़ा साला कभी किसी को चाकू मार दिया किसी को लुढ़का दिया कभी किसी लड़की पे रेप कर दिया बाप का मालिक है साले का आपने मारा ना उसको बहुत अच्छा किया साहब बहुत अच्छा किया सच कहता हूं साहब मेरी कमाई का आधा हिस्सा साले के लफड़े निपटाने में खत्म हो जाता है लेकिन क्या करे साहब एक ही भाई है मां बाप ने बोला भाई को संभालो संभाल रहे और फिर आप जैसे बड़े बड़े इंस्पेक्टरों की वजह से वो कभी 12 घंटे से ज्यादा हवालात में बंद भी नहीं रहा अब बोलो साहब
उसको छोड़ने का कितना लेंगे आप? मैं जो मांगूंगा शायद वो तू नहीं दे सकेगा वाघमारे। अरे नहीं साहब, आप सिर्फ हुक्म करिए, जो चाहिए आपके कदमों में लाकर रख दूंगा। तू मुझे एक कफन ला दे वाघमारे, जिसे मैं तेरे भाई की लाश पे डाल सकूं, क्योंकि सरकार ने अभी तक कुत्तों की लाशों पर कफन डालने का बजट पास नहीं किया है। कफन? कफन है? इंस्पेक्टर, मैं फिर से कह रहा हूं कि तू नहीं जानता मैं कौन हूं। अगर मैं चाहूं ना, हरामजादे, ये पुलिस स्टेशन है, तेरे बाप का पीक दान नहीं है, तू जहां चाहे थूकता फिरे। आइंदा मेरे सामने ऐसी कोई बेहूदगी की तो मार मार कर मैं तेरा ऐसा होलिया बिगाड़ूंगा कि तेरे तमाम जुए खाने और शराब खाने की कमाई भी तेरे इलाज के लिए कम पड़ेगी। इंस्पेक्टर, तेरे को नहीं मालूम तूने किससे पंगा लिया है? रमाकांत वाघमारे हूं मैं, वाघमारे। पिताजी, पिताजी, क्या बात है? पिताजी मुन्ना नहीं मिल रहा, मैंने सब जगह उसे ढूंढा, कहीं नहीं मिल रहा। घबराओ नहीं बहू, यहीं कहीं होगा। मैं तलाश करता हूँ बहू। ये तुम क्या कह रहे हो गायत्री? बस तुम जल्दी से घर आ जाओ प्लीज। देखो तुम फिक्र मत करो, मैं अभी आता हूँ। मुन्ना, एक कौन है तुम? क्या चाहते हो? मेरा नाम है रमाकांत वाघमारे। होली के दिन मेरे भाई ने एक मर्डर किया था, मालूम होएगा तेरे को। उसका चश्मदीद गवाह है तेरा आदमी। अगर तेरे आदमी की गवाही से मेरे भाई को कुछ हो गया, फांसी हो गई, तो ये बच्चा क्या, तेरे पूरे खानदान को शमशान पहुंचा दूंगा, समझे? बोल देना अपने आदमी को ले। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चले जाओ। वैसे तेरा ये मुन्ना बहुत अच्छा है, बहुत पसंद आया आपने को। खिले खिले, हले 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 हले, खिला खिला उसको, डरमा तो उसमें जहर नहीं है। चले जाओ। गायत्री, अर्जुन, अर्जुन, चुप, अर्जुन को मार डालेगा, वो मार डालेगा। कौन मारेगा? मुन्ना को मार डालेगा। कोई नहीं मार डालेगा। कौन मारेगा? सबको मार डालेगा। कौन मारेगा? चलो यहाँ से चले जाते, ये शहर छोड़कर चले जाते। अरे क्या हुआ गायत्री, कौन मारेगा? किसी की हिम्मत नहीं है। कौन है? भाग मारे, भाग मारे। तुम उसके भाई के खिलाफ गवाही मत देना, मत देना अर्जुन, और तुम उसके भाई के खिलाफ गवाही नहीं दोगे। गायत्री संभालो अपने आप को, गायत्री संभालो, संभालो अपने आप को, कोई नहीं मारेगा, नहीं मारेगा कोई। अरे अगर कानून मुजरिम की धमकियों से डरने लगा तो फिर हम पुलिस वाले किस लिए हैं? अरे गायत्री कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। मीर रमाकांत वाघमारे बोल रहा हूँ। हरामजादे, औरत को धमकी देता है, अगर तूने मेरे बच्चे की ओर आंख उठाकर भी देखा तो मैं तेरी आंखें फोड़ दूंगा। अरे आंख तो उठेगी इंस्पेक्टर, क्योंकि तेरा बच्चा बहुत खूबसूरत है। योर ऑनर, मैंने गीता पर हाथ रखकर कसम खाई है कि मैं जो कुछ भी कहूंगा सच कहूंगा, और सच यह है योर ऑनर कि मुलजिम अमरकांत एक लिस्टेड क्रिमिनल है। लोगों को मारना पीटना, उनकी जगहों पर जबरदस्ती कब्जा करना, जुए और शराब के अड्डे चलाना, जिस्म फरोशी के धंधे करना, इसका खानदानी पेशा है। जब पुलिस के मुखबिर हरिप्रसाद श्रीवास्तव ने इसका पर्दाफाश करने की कोशिश की तो योर ऑनर इसने होली के दिन सैकड़ों लोगों के सामने बड़ी बेरहमी के साथ उसका कत्ल कर दिया, जिसका चश्मदीद गवाह सिर्फ मैं ही नहीं
वो सभी लोग हैं जो वहां मौजूद थे। योर ऑनर, इसलिए मेरी अदालत से दरखास्त है कि मुल्जिम के साथ रियायत न बरती जाए और इसे सजाए मौत दी जाए। वकीलों की जिरह, इंस्पेक्टर अर्जुन की गवाही और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए अदालत अमरकांत को मुजरिम करार देती है। अमरकांत ने अपने होश और हवास में हरि प्रसाद श्रीवास्तव का खून किया, लिहाजा अदालत इस फैसले में पहुंची है कि अमरकांत को दफा 302 के तहत सजाए मौत दी जाए।
मुजरिम के पीछे भागते भागते मैं खुद जुर्म के रास्ते पर इतना आगे निकल गई जहां से अब लौटना नामुमकिन है। जिंदा हूं तो सिर्फ इसलिए कि बदला ले सकूं अपने पति का, अपने ससुर का। निकाल दीजिए अपने दिमाग से यह ख्याल, अगर हर इंसान अपने इंतकाम के लिए हथियार उठा ले तो यह दुनिया कुरुक्षेत्र का मैदान बन जाए। अब भी वक्त है, अपने आप को कानून के हवाले कर दो। मैं वादा करता हूं कि आपके साथ इंसाफ होगा। नहीं बेटे, मैं तुम्हारा मशवरा नहीं मान सकती। तुम अपने फर्ज से मजबूर हो और मैं अपने जज्बात से। तुम शायद यकीन नहीं करोगे लेकिन बंटी का खून मैंने नहीं किया था। साथियों, मैं आप सबकी एहसान मंद हूं जो मुझे आप जैसे लोगों का सहयोग मिला। इस ऑर्गेनाइजेशन की भलाई के लिए आपने जो कुछ भी किया है वो भुलाया नहीं जा सकता। इसके लिए आपने बड़ी से बड़ी कुर्बानी दी है, हर पल हर कदम पर मेरा साथ दिया है। लेकिन आज मुझे बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि अब हमारा साथ बहुत दिनों तक नहीं रहेगा। रमाकांत की मौत मेरी जिंदगी का मकसद है। उसे खत्म करने के बाद मैं अपने आप को पुलिस के हवाले कर दूंगी। यही मेरा आखिरी फैसला है। हमारा बात सुनो मिस्टर रामाकांत, तुम्हें मारकर गायत्री अपने आप को पुलिस के हवाले करने वाले हैं, लेकिन ऐसा नहीं कर सकती। मैं उसे खत्म कर दूंगा। नहीं जुड़ा, ये सब कुछ तुम हमारे ऊपर छोड़ दो और काम की बात करो, सिर्फ काम की। बाघ मारे। लोमड़ी कितनी भी उछले वो चीते से ऊंची छलांग नहीं मार सकती। तुझे नहीं मालूम यमराज ने मुझे गिद्ध की उम्र देकर भेजा है ताकि मैं तुझे नोच नोच कर खाऊं। बेटे, बेटे, तेरी माँ को किसी ने गोली मार दी है। तू चल मेरे साथ अस्पताल चल। नहीं माँ, मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं। क्या? जिस औरत ने तुझे जन्म दिया है उसका तुझसे कोई रिश्ता नहीं है? वो तेरी माँ है माँ। लेकिन कानून की नजर में वो सिर्फ एक मुजरमा है। मुझे किसी पुलिस अफसर की दलीलें नहीं, एक बेटे का फैसला सुनना है। तो सुन लो माँ, तुम्हें जिस बेटे की तलाश है उसे ये पुलिस ऑफिसर नहीं जानता। वाह बेटे वाह, 20 साल तुझे सीने से लगा कर पाला मैंने, लेकिन तुझे माँ की ममता समझा नहीं सकी। और कुछ साल से तेरे जिस्म पर ये वर्दी क्या आ गई, तो इसकी भाषा बोलने लगा है? बेटे, माँ के आंसू उसके दामन पर नहीं औलाद के दिल पर गिरते हैं, लेकिन तेरे दिल पर तो उस औरत का खून भी असर नहीं कर सका।
तो फिर तो उस दूध का भरम क्या रखेगा जो तूने किसी अजनबी औरत की छाती से पिया है। Thank you.
है। नहीं, मैं आज इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसने मेरे खानदान को तबाह किया है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। प्रताप, मैंने जिंदगी भर इस दिन का इंतजार किया है, छोड़ दो। मैं कहती हूँ छोड़ दो। गायत्री, गायत्री।